बेगम एक सरप्राइज देना है आपको, एक सरप्राइज है। दू आपको देख के क्या लगा, मतलब आप जाहिर है ग्लैमर की दुनिया से निकल के आई हैं, तो मतलब एकदम मौलवी और टखना पे किया शलवार है, तो उसको कैसा लगा? मतलब पहले अजीब ही लगा, हाँ। फिर बाद में ऑब्वियसली जब उनसे बात होने लगी और ये सब, तो फिर वो अच्छे इंसान। मर्द की बदसूरती उसकी खाली जेब होती है। सही बात है। अगर मर्द पैसे वाला है ना तो इस्तखारे में भाई ना, यहाँ पैसे वाले की बात नहीं। ये पहले, सबसे पहले 2017 में मुझे मिले उमरे पे, नहीं ये अभी मदीने में हम, ये मक्के में मिले, ये जा रहे थे। दो दिन तक तो मुझे घुमाया, आज मेरे कल मैंने किया, तो मैंने इनको माफ करना भाई ये बात ही है, लेकिन हम सब पूरी दुनिया की बहनें, बीवी के अलावा सारी बहनें हैं, तो ये भी उस टाइम पे सोचा नहीं था ना कि, तो मैंने इनको बाजी कहा, बाजी कहा। अब हमें ख्वाब को ख्याल में नहीं था ना कि आपने क्या कहा बाजी, मैंने कहा आप मुझे मतलब पे बिका करेंगे। मौलाना तारिक जमील की कैसी फैन खोलेंगे इंडिया में? मौलाना के पागल दीवाने, क्योंकि मुझे मौलाना ने खुद एक बात बताई थी कि आमिर खान ने ये बात बताई है कि सलमान खान के घर पे भी उनका प्यार चलता है। ऐसा कोई नहीं इंडिया में जो उन्हें नहीं जानता, चाहे दीनी माहौल हो या ना हो, सब जानते हैं। गैर मुस्लिम भी, गैर मुस्लिम भी। अभी एक इवेंट था कोई बाबा सिद्दीकी साहब का, उसमें शिल्पा शेट्टी ने आपको रोका और कुछ बोल रही, क्योंकि माइक तो था नहीं, तो एक क्यूरियोसिटी थी कि वो बोल रही थी इसके लिए, आप बोल क्या रही है। नहीं, काफी लोग यही पूछ रहे थे कि आप बोल रहे हैं, आप क्या करते हैं। मतलब मुझे ऐसा पाकिस्तान में तासुर है कि आप बहुत करप्ट हैं। वो बना दिया गया है मुझे मीडिया ने, मैं सीधा साधा आदमी हूँ, कपड़े का काम है छोटा मोटा। कपड़े का क्या छोटा मोटा, ये छोटे मोटे कपड़े वाले ही तो आजकल गेम कर रहे हैं बहुत बड़े बड़े। सबर और शुगर करने वाला जन्नती है, ये उन्हें देख के शुगर कर रहे हैं, वो उन्हें देख के सबर कर रहे हैं। ये ले रहे हो कि दे रहे हो? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला, मदीने की पुरफिजा रोडों से, हवाओं से सलाम आप सबको। अच्छा जी, हम जा रहे हैं ओबराय और हमारे इंडियन कुछ आर्टिस्ट दोस्त हैं उनसे मिलने के लिए, और हमारे साथ अजमल भाई। अजमल भाई कहाँ लेके जा रहे हैं? सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ चले चले, मैं बैठ ही रहा हूँ। हाँ जी, जा रहे हैं हमारे इंडिया के साथी हैं मुफ्ती अनस। खचा खच अंधेरा भाई, मुफ्ती अनस साहब के पास जा रहे हैं अभी मुलाकात के लिए, उनकी वाइफ सना खान से भी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। उन्होंने कहा था भाई नादिर अली से मिलना है हर हाल में, और इत्तेफाक की बात है, अल्लाह पाक की तरफ से एक इत्तेफाक हो गया कि नादिर भाई भी आए, वो लोग भी आए हैं यहाँ पे, तो सबकी मुलाकात हो जाएगी। इस टाइम तीनों हजरात होटल्स का ये हाल है कि होटल सारे फुल हुए हैं तकरीबन, ऐसे ही अजमल भाई? ऐसे ही बिल्कुल, 3, 4, 5, 7 सारे। इस्तीफा हुआ ये है कि होटल्स बहुत सारे बंद हो गए हैं। अच्छा, और सिर्फ फ्रंट की 2 लेन्स के होटल्स खुले हैं, इस वजह से एक्सपेंसिव हो गए होटल भी, और आवाम का रश टूटा हुआ है। और इस टाइम ये देखें आप, ट्रैफिक से अंदाजा लगाए लोग ज्यादा है होटल कम है, लोग ज्यादा है होटल कम है। और रेट आप जो बता रहे थे अजमल भाई, जरा रेट फिर से रिपीट करें। साथी ने अभी रूम लिया है ओबेरॉय के अंदर, उनको मिला है 90,000 रियाल का रूम, उफ 9 नाइट्स के लिए, उफ 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 10,000 रियाल पर नाइट। 10,000 रियाल पर नाइट इज लाइक 4.5 लाख 5 लाख रुपए पाकिस्तानी। हम जी पहुंच गए हैं, ये है मदीना ओबेरॉय। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं? कैसे हैं? ठीक है आपको? मदीना शरीफ की हाजिरी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह, शुक्रिया, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब जा रहे हैं हम अपने पड़ोसी मुल्क के मेहमानों से मिलने, वो भी मेहमान है, हम भी मेहमान है। भूख किसको लग रही है? सच सच बताओ। बासित भाई को लग रही है। बासित भाई क्या फोड़ा तुम? क्या फोड़ा तुम बताए, हुकुम करा तुम? आज क्या फोड़ा तुम? हाँ बताए, अलबेक फोड़ा। अलबेक फोड़ा तुम? आजा, अलबेक आ जाएगा जी, अलबेक आ जाएगा। चलो चलो, बेहतरीन है। अस्सलाम वालेकुम। देख के तो इतना हंस रहे हम लोग, पूछे ही ना ना आपने हमाम वाले को छोड़ा है, लोगों को घर से निकाला है, बाथरूमों से निकाला है, किस किस जगह से आपने किस किस को नहीं निकाला? सबको वेव कर दे पाकिस्तान में जी। पाकिस्तान में बहुत फैन फॉलोइंग है आपकी, और मेरी वाइफ स्पेशली आपकी बहुत फैन है। फायजा नाम है जी। फायजा, ओके। अस्सलामुअलैकुम फायजा। तो पाकिस्तान आपने जब आना है तो आपने इंशाल्लाह हमारे पास भी आना है, और ये मेहमान नवाजी देखे इनकी, ये हो रही है दरवाजे पे भाई लॉक, मतलब सारे काम नहीं कर रहे, कार काम नहीं कर रहा, अभी आ जाएगी। तो ये बताइए
आपको देख के क्या लगा? मतलब आप जाहिर है ग्लैमर की दुनिया से निकल के आई हैं, तो मतलब एकदम मौलवी और तखना पे यार शलवार है, कैसा लगा? मतलब जाहिर सी बात है ना, पहले अजीब ही लगा, हाँ। फिर बाद में ऑब्वियसली जब उनसे बात होने लगी और ये सब, तो फिर वो अच्छे इंसान लगे। नहीं, मैं पता है क्या बोलता हूँ, एक बात बोलता हूँ, मेरा ये एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ था, मैंने कहा मर्द की बदसूरती उसकी खाली जेब होती है। सही बात है, अगर मर्द पैसे वाला है ना तो इस्तखारे में भाई ना, पैसे वाले की बात नहीं, बस ये अल्लाह की बात थी और मौलाना की शेर की दुआ थी। इसकी ये कहानी बड़ी जबरदस्त है, ये पहले सबसे पहले 2017 में मुझे मिले उमरे पे, नहीं ये अभी मदीने में, हम ये मक्के में मिले, ये जा रहे थे, तो 2 दिन तक तो मुझे घुमाया, आज मेरे लेकर मैंने किया, तो मैंने इनको माफ करना भाई ये बात दिया, लेकिन हम सब पूरी दुनिया की बहने, बीवी के अलावा सारी बहने हैं, तो ये भी उस टाइम पे सोचा नहीं था ना कि, तो मैंने इनको बाजी कहा, बाजी कहा। अब हमें ख्वाब ख्याल में नहीं था ना कि यार ने क्या कहा बाजी, मैंने कहा आप मुझे पसंद है दिखा करेंगे। मौलाना तारिक जमील की कैसी फैन फॉलोइंग है इंडिया में? मौलाना के पागल दीवाने, क्योंकि मुझे मौलाना ने खुद एक बात बताई थी कि आमिर खान ने ये बात बताई है कि सलमान खान के घर पे भी उनका बयान चलता है। मौलाना का कोई घर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि असल तो बात है ना, ये बात मौलाना ने खुद बताई मुझे, अल्लाह ताला ने हमें का बयान चलता है, ऐसा कोई नहीं इंडिया में जो उन्हें नहीं जानता है, चाहे दीनी माहौल हो या ना हो, सब जानते हैं। गैर मुस्लिम भी, गैर मुस्लिम जी आ गए फाइनली जी, चाबी आ गई है। क्या हाल है बेगम? एक सरप्राइज देना है आपको, एक सरप्राइज है, दू हड़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इधर आ, वापस इधर ला, ये पकड़। कैसे कैसे हैं आप? आप बताएं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छी। बस अभी भाई को मिली तो भाई ने आपके बारे में बताया, तो मैंने कहा चलो वीडियो कॉल पे ही बात हो जाए। बड़ी मोटिवेशनल है, बहुत मोटिवेशनल है, और अल्लाह ताला ने आपको उतनी ही चाशनी आपकी जबान में रख दी है। अब देखें कि इतनी इंस्पिरेशन, कि मैं ये बात आपको लिटरली बता रहा हूँ कि मुझे ये बात बोली कि यार आपने मिलना है। तो ये देखें, ये सरप्राइज था। जी हमारे पहचान बीच में जो निकले, हमारे भाई वो हमारे पहचान के ही निकले, तो इस तरीके से आज इनसे मुलाकात हो गई, अल्लाह ने करवा दी। ये मुफ्ती अनस साहब भी हैं। सलाम बाजी, क्या हाल है, खैरियत से? अल्लाह आपको खुश रखे। हम आपको बहुत देखते हैं नए घर के ऊपर, जो भाई आपकी उड़ा रहे थे वो ब्लॉग देखा है मैंने आपका। अल्लाह आपको खुश रखे मेरी बहन, अल्लाह आपको खुश रखे, बस अल्लाह ताला जल्द से मुलाकात कराए, हरमैन आपका आना हो इंशाल्लाह। तो अब ये है कि अगले महीने की पॉकेट मनी आपकी कट गई इस बात में। तो एंजॉय करें, एंजॉय करें। मौजूद सवाती ना हजरात, बात हो रही है वो एक अभी की इवेंट था कोई बाबा सिद्दीकी साहब का इफ्तार पार्टी, उसमें शिल्पा शेट्टी ने आपको रोका और कुछ बोल रही, क्योंकि माइक तो था नहीं, तो एक क्यूरियोसिटी थी कि वो बोल रही थी इसके लिए, आप बोल क्या रही है? नहीं, काफी लोग यही पूछ रहे थे क्या बोल रहे थे, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, मतलब एज ए ह्यूमन वो बहुत, मैं उनसे पहले भी एक बार मुलाकात एक इवेंट में हुई थी, बहुत डाउन टू अर्थ है। तो जब मैं जा रही थी तो उन्होंने मुझे रोका, मुझे बोला मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ जो आप बोलते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप जितनी उर्दू बोलते हो ना वो मेरे बाउंसर जाती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कुछ कुछ और। अच्छा, तो फिर मैंने तब उनको मैंने बोला, जब अनस उनको देख के हंस रहे थे, तब मैंने बोला कि एक्चुअली मुझे भी इतनी नहीं आती थी, मैंने तो अनस से सीखी है कुछ चीजों में। सना, कराची से अच्छा खाना हम समझते कहीं नहीं मिलता जी। निहारी, निहारी ऑफ कोर्स, ठीक है, बिरयानी और हनी, हाँ। लेकिन वो हैदराबाद दक्कन की जमीन है, हाँ। तो वो बहुत अलग उसके स्पाइसेस आ रहे थे मुंह में ना, महसूस हो रहा है। कभी आपको हमारे सूरत की खिलाई है, सूरत की बिरयानी का एक टेस्ट अलग है गुजरात के। अच्छा, वो आखिर अनस एक्चुअली ऐसे है ना, वो उनको बहुत देसी खाना पसंद है। अब जैसे दुबई में भी जब हम जाते हैं तो बहुत सारे वहाँ पे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है जो बहुत फेमस है, मुझे पसंद है, लेकिन अनस को बिल्कुल उनको बेसिक खाना चाहिए। आपको मैं रेकमेंड करूं अटल पैक यूज किया करें, अगर कोई ऐसी कंट्री में जा रहे हैं अभी उसको गरम मान करें। नहीं, माइक्रोवेव भी साथ लेके चले। गरम गरम का एक वाकया मैं बताता हूँ, पहली दफा हम मुल्क से बाहर गए थाईलैंड, मुझे किसी बंदे ने, अल्लाह उसका भला करे, उसने कहा यार नासिर भाई
आपने टिन पैक फटाफट करवा लेने, आपने खाने का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मैं कहा ठीक है। अब हम चले गए तो फाइव स्टार होटल में पहली दफा रुकने का एक्सपीरियंस है। अच्छा, तो रुके। अब माशाल्लाह मैं और मेरे साथ तीन चार वो भी जाहिल, हम लोगों ने क्या किया मुफ्ती साहब, एक प्लेट में निहारी निकाली और सामने, अब माइक्रोवेव नहीं पड़ा था, एक सेफ पड़ा हुआ था, सेफ। हमने कहा यार माइक्रोवेव पड़ा है, गर्म कर लेते। बाकायदा हमने सेफ खोला और निहारी की प्लेट रखी और बंद की, और सेफ के जो एक दो बटन रहते हैं अंदर की लाइट चल गई। हमने कहा बाबा गर्म हो, पिता की कसम, बिल्कुल सुचल बात बता रहा हूँ। उसके बाद ना तीन चार मिनट हम चार पांच बंदे ना वेट कर रहे हैं ना निहारी का, अचानक यू करके खोला, उसको निकाली और किसी ने उंगली लगाई, बोला थोड़ी सी गर्म हो गई, अल्लाह की कसम। और भाई उसके बाद ना मुझे जो रूम पर भी पहले आई बात उसने बताया सेफ, ये देखिए क्या जीती बात है, ये मेरे जैसा सीनियर से ऊपर भी है। क्या बात है भाई? यस सर। वाह वाह, हवा आ गया और खाना भी आ गया। बड़ी खुशी नादिर भाई, पहले तो आपसे कि आप आए, माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको अजमल भाई को बहुत जजाया खैर दे। मैं खुद ख्वाहिशमंद था, जैसे अजमल भाई ने कल कहा कि नादिर साहब आए, मैंने कहा मुलाकात करा दो, आपकी मेहरबानी होगी, और आप आ गए। यकीन करें मुझे अजमल भाई ने जब कहा तो मैंने फौरन बुलाया, बिल्कुल जाने भाई। आप क्या करते हैं, मतलब मुझे ऐसा पाकिस्तान में तासुर है कि आप बहुत अरब खरबपति आपको बना दिया गया है मुझे मीडिया ने। मैं सीधा साधा आदमी हूँ, कपड़े का काम है, छोटा मोटा। कपड़े का क्या छोटा मोटा, ये छोटे मोटे कपड़े वाले ही तो आजकल गेम कर रहे हैं बहुत बड़े बड़े। देखिए सबर और शुक्र करने वाला कहते हैं जन्नती हो। बड़ा सबर किया भाई तुमने, सही है, बहुत ही बड़ा सबर किया मैंने। सबर और शुक्र करने वाला जन्नती है, ये उन्हें देख के शुक्र कर रहे हैं, वो उन्हें देख के सबर कर रहे हैं। ये ले रहे हो क्या, दे रहे हो? मेरा भाई है, क्या बात है भाई, क्या बात है, वाह 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 वाह, खाना आ गया भाई। ये ओबराई मामतन हमारे इंडिया का खाना होता है। सही, ओबराई हमारे इंडिया का ब्रांड है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका सारा स्टाफ से अभी मुलाकात हुई। ये आई थिंक ये कुनाफा है, कुनाफा टाइप की चीज लग रही है मुझे। और माशाल्लाह मैं एक बात बोलूं, एक कॉम्प्लीमेंट दूं आप लोगों को, समोसा जो है ना वो इंडियन से अच्छा समोसा मैंने नहीं खाया। मैंने स्विट्जरलैंड में समोसा खाया तो उसके अंदर मटर, प्याज और पता नहीं क्या क्या, और समोसे का साइज भी हमारे समोसे से डबल था। तो वो समोसा यार अमेजिंग, मजा आया। इनका वेजिटेबल समोसा बहुत मजेदार है। हमको मांगते रहना है, जब तक हमारे अंदर ताकत है हमें अल्लाह से मांगते रहना है। अब मैं इसका आपको पर्सनल एग्जाम्पल बताती हूँ। जब 2012 में मैं बिग बॉस से निकली थी और उससे पहले भी ऑफकोर्स मैं काम करती थी, पैसा था, बट पता नहीं क्या हुआ, जो 2013 से मेरा पहला उमरा का सफर अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह तबारक व ताला कहता है कि मेरे खजानों में बेहतरीन खजाना हिदायत है। और माशाल्लाह से आपने बहुत, पाकिस्तान में भी बहुत खवातीन को इंस्पायर कर रही हैं आप, और इंडिया में तो कर ही रही हैं। और अल्लाह ताला इस्तकामत दे आपको और मुफ्ती अनस साहब आपको। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों से मिलके, हमारी सहमत है कि मेरी आपसे मुलाकात हुई। वल्लाह मैं भाई को कह रहा था, बहुत कह रहा हूँ कि देखे हाँ के मुलाकात कराए, लेकिन आज अल्लाह ने मैंने बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अच्छे मुकद्दस मकाम पे हम मिले, बहुत मुकद्दस मकाम पे। और आप ये देखें ना कि ये व्यू देखें आप, आए हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, थोड़ा सा और हटा है, आए हाय, वो देखें गुम्बदे खजरा का ये व्यू, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। मैं आपसे, आपने बहुत अच्छी हमें ओबराई वाले को अल्लाह जदाए खैर दे, और इतना बड़ा केला मैंने तो कराची में तो बड़े चित्री वाले केले, बहुत छोटे छोटे और वो केले भी होते हैं, केलियां होती हैं, ये केले हैं एग्जैक्टली। थैंक यू सो वेरी मच, और आपने भी आना है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। सना बहुत शुक्रिया अगेन, थैंक यू सो मच इस अपनेपन के साथ, कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप दोनों, अल्लाह नजरे बस से बचाए। बहुत शुक्रिया अजमल भाई, अल्लाह हाफिज़। बासित भाई थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।